दिल में तुम्हें हूँ तुम। शिवांगी मुझे फोन कर रही है। हे शिवांगी, कैसी हो तुम? अमन, पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कभी शोभा ऋषि की जिंदगी में थी। क्यों? लेकिन शोभा की आत्मा को तो तुमने कुछ देखा था ना? ये बात तुम्हें कैसे पता? वो ऋषि ने खुद मुझे बताया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। हाँ अमन, मैंने भी देखा था, पर पता नहीं क्यों उस बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं फिर से उस आत्मा को देखना चाहती हूँ। क्या है ना अमन, कि एक मौका आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना? एक बार फिर से। हाँ, अगर शोभा की कहानी सच्ची है तो फिर से वो आत्मा दिखाई दे सकती है ना? लेकिन शिवांगी, शोभा की आत्मा तो सिर्फ पूर्णमासी की रात को ही बाहर आती है। हेलो हेलो, क्या हुआ अमन? पता है, आज मैं शिवांगी से मिलने के रेस्टोरेंट गया। वो नहीं मिली वरना आज हम अपने प्यार का पहला कदम ले लेते। तू पहला कदम उठाने की बात कर रहा है ना, तेरा प्यार 10 कदम पीछे जा रहा है। मतलब? शिवांगी से मेरी अभी अभी बात हुई थी, से तेरी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है और वो शोभा की आत्मा से फिर मिलना चाहती है। तो दिक्कत क्या है? मैं फिर से बन जाऊं? मैं नहीं बनने वाला आत्मा आत्मा, ओके? बस क्या अमन, दोस्ती में इतना नहीं करेगा। दोस्ती का नाम मत ले तू, दोस्ती के लिए अपना वजूद खो चुका हूँ मैं। मेरे मकसद में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ना तू? आत्मा बन के कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। अरे जान दूंगा मगर जाने नहीं दूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी बनेगा आत्मा? नहीं बनेगा। अरे बनेगा। नहीं। बाप बाप क्या? बाप है बाप। अरे मेरे अंकल, आप क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। नहीं, कोई तो बात है। वैसे अमन, परसों रात को तुम जंगल में क्या कर रहे? जंगल के बीच साड़ी पहनकर? पापा मैं अंकल, परसों रात को तो अमन मेरे साथ था। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। वैसे अमन का कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, यू नो, लाइक डबल रोल। हाँ पापा, मैं तो ऋषि के साथ था। गुड पॉइंट बोलो। बाप हूँ तुम्हारा, अपनी आंखों से देखा मैंने। नहीं पापा, आपकी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ है। अंकल, इसका कहने का मतलब ये है कि जरूर आपने किसी और को देखा होगा। अरे वैसे आप जंगल में क्या कर रहे थे? हम लोग यू नो, मैं और सीजी ड्रिंक्स के लिए गए थे और फिर हमने सोचा क्यों ना ट्राइक पर चले जाए, और यू नो रास्ते में जंगल भी पड़ता है। तभी तो मतलब ये कि आपने कुछ ज्यादा ही। लेकिन मैं इतने नशे में नहीं था कि मैं अपने लड़के को लड़की समझ बैठूं। पापा, कहीं आप मॉम को तो बहुत मिस नहीं कर रहे? नहीं, आई मीन जनरली आप मॉम को मिस करते हैं ना? क्या मॉम को बीच में ला रहे हो? मॉम पापा, अपनों के प्यार का नशा बहुत गहरा होता है। इस नशे में इंसान को जगह जगह अपने नजर आते हैं। आई एम श्योर आप मॉम को मिस कर रहे हैं। लेट मी कॉल मॉम। अरे क्यों मॉम को बुला रहे हो यार? चैन से जीने दो मुझे। छोड़ो यार, बहस करना ही बेकार है तुमसे। बाल बाल बच गए। बचाया ना तेरे को। अब तेरी बारी। ऋषि प्यार तू करे, वाट मेरी लगती रहती है। हमारी इन फैक्ट्रीज की गैस सप्लाई यहाँ से होगी और ये कम से कम हमारी फैक्ट्रीज से 500 मीटर्स की दूरी पर होंगी और हमारी डिस्टिलेशन प्लांट्स में भी कुछ चेंजेस होंगे इस तरह। वाह, क्या डिजाइन है। ये एक बहुत ही रिडिकुलस, सिली और अनप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है। तुम जिन कंपनीज की बात कर रही हो, हम उन कंपनीज के साथ कभी डील नहीं करें, क्योंकि वो कंपनी नहीं है और हम इन कंपनीज से डील करके अपने आप को उछालना चाहते हैं। इसलिए हम अपने पुराने जोन को नहीं छोड़ सकते और ये नई कंपनीज के साथ डील नहीं करते। मिस्टर कार्तिक, तुम शायद मनी मैटर्स को नहीं देख रहे, जो बिजनेस का सबसे पहला उसूल होता है। इन डील से हमारी कंपनीज को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेस मैं भी जानता हूँ मिस कशिश, और जो भी हो, तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन रबिश है एंड आई एम श्योर बहुजी भी मेरी इस बात से सहमत।
अगर हमें पहले से पता होता कि कशिश ऐसा प्रेजेंटेशन देने वाली है और कशिश की बिजनेस सेंस ऐसी होगी तो मैं कशिश को अपने बिजनेस में पहले से ही ले लेता। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? सही कह रहा हूं कार्तिक, मुझे भी खुशी है कि अब हमारी कंपनी हर नई कंपनी और बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार है। और जैसा कि कशिश ने अभी अभी बताया, फ्यूचर में इन डील्स में प्रॉफिट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नजर आ रही है। वक्त के साथ साथ कंपनी के उसूल भी बदलने चाहिए। नई राहें पुरानी राहों के साथ जब जुड़ जाए तो ये हमें आगे ले जाएंगे। कशिश, हम तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हुए, इसलिए कार्तिक, इसलिए ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे हाथ से लेकर कशिश को दे रहा हूं। आज से इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कशिश होंगे। आप ऐसे कह रहे हैं, आप जानते हो मैं आपका बेटा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तभी आपने उसको देखी। हाँ मैं जानता हूं, ये बहुत ही बड़ा और प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, ये हमारे कंपनी के लिए बहुत ही मायने रखता है, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट कशिश को हैंडल करने के लिए दिया है। ऐसा मुझे नहीं करना पड़ता अगर तुम इस प्रोजेक्ट का अच्छा प्रपोजल या अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो। जब अपनों से मनचाहा साथ नहीं मिलता तो फिर गैरों से सहारे लेने ही पड़ते हैं बेटे। सही कहा तुमने बेटे, तुम हमारे बेटे हो तो बेटे होने का फर्ज निभाओ। ये प्रोजेक्ट वक्त पर खत्म होना चाहिए, इसलिए कशिश के खिलाफ नहीं, उसके साथ चलना होगा तुम्हें, उसकी मदद करनी होगी। रिश्ते का एहसास है ना, तो कशिश के रास्ते में कभी मत आना। ठीक है बाबूजी, आप एक काम कीजिए, ये प्रोजेक्ट आपने उसको दिया है, ये फाइल भी आप इसको दीजिए। एक मिनट कार्तिक, ये फाइल तुम ही कशिश को दोगे? इतना ही नहीं सिर्फ, तुम उसे अपने बेस्ट विशेस भी दोगे, एंड यू विल विश हर द वेरी बेस्ट। अगर नहीं दिया तो तुम दोगे, जरूर दोगे, अगर तुम इस कंपनी में काम करते रहना चाहते हो तो। क्या देख रहा है यार? अमन तू बहुत सेक्सी लग रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं ये सब उतार ही देता हूँ, और इसके बाद तुझे कौन बचाएगा? हाँ ए, चल चल वो आ गई, चल शोभा, शोभा चलो ना घर चल के, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते हैं। शोभा शोभा, एक ऐसी कसौटी है मेरी जिंदगी की। शोभा शोभा घर चलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे शोभा, बहुत मिस करता हूँ। क्यों इस अंधेरे में ऐसे जंगल में घूम रही हो शोभा? शोभा ऐसे क्या रखा है इस जंगल में? अबे नल्ले थोड़ा फास्ट चलना। शोभा शोभा घर चलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अबे नल्ले फास्ट चलना, शक्ल देख लेगी तेरा। शोभा आई लव यू। शोभा तुम्हारी बिना मेरी जिंदगी बहुत सूनी है। शोभा शोभा क्या शोभा, नॉटी गर्ल।
बार बार मुझे डराती रहती। मैं तुम्हारी शोभा नहीं हूँ, प्लीज ओके। वो लड़की जो आगे जाएगी ना, वो तुम्हारी शोभा है। वो आगे आगे और तुम पीछे पीछे। मैं उसके पीछे थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। तुम ही मेरी शोभा। ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा कौन मैं शोभा हूँ या वो। यानी कि अभी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? वो शोभा की आत्मा तुम्हारे सामने जा रही है और तुम। मैंने उस आत्मा को देख लिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं उसका चेहरा देख सकूँ तो प्लीज। आत्मा के चेहरे थोड़ी ना होते। अरे भैया, आत्मा को देखकर मुझे टीवी से डर लगता है। और तुम एक काम करते हैं, आत्मा को देखने के बदले क्यों ना वहाँ जंगल की तरफ चलते हैं। अरे आत्मा रिवर्स गियर में क्यों आ रही है? तू मुझे धोखा दे रहा था अमन, शोभा के कपड़ों में। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की, क्यों? और ये मन घड़ंत आत्मा की कहानी बनाकर तुम लोग मुझे फंसाना चाहते थे। और तुम तुम्हारे बारे में मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही बता दिया। तुम लड़कियों को झूठी मन घड़ंत कहानियां बताकर घुमाकर अपने जाल में फंसाना चाहते हो। फिर से शोभा? हाँ, I just can't believe it कि तुम जैसा इंसान भी दुनिया में हो सकता है। I really hate you. शोभा, शोभा, शो, अरे नाम क्या है? शिवांगी नल्ले। शिवांगी! ऋषि का बच्चा हमेशा मेरे को मराता है। आप यहाँ? I'm sorry. इतनी रात गए तुम्हारे यहाँ। बात यह है कि यहीं से गुजर रहा था, सोचा कि कुछ बातें कर लूं। कैसी बातें? एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कशिश। वो प्रोजेक्ट जो मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया, अगर तुम चाहो तो तुम वो प्रोजेक्ट छोड़ सकती हो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वो तुम्हारे काम में मुश्किल कर सकते हैं, तुम पे कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कशिश, तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है। मुझे तो डर है कि वो लोग कहीं तुम्हारे पर नहीं काट दें। परों से कुछ नहीं होता मिस्टर अलवालिया, हौसलों से उड़ान होती है। वैसे आप कार्तिक के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ। कोई बात नहीं मिस्टर अलवालिया, अगर वो इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ नहीं देना चाहता तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये प्रोजेक्ट खुद अकेले हैंडल कर लूंगी। मेरे लिए उसके धोखे से ज्यादा जरूरी है ये मौका। ये वो एक मौका है जिससे मैं आपकी कंपनी के लिए अपनी मेहनत और अपने आप को साबित कर सकती हूँ। आप मुझसे ये मौका वापस मत लीजिए। कार्तिक मेरा बेटा, तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो। वो हर चीज अपने हिसाब से करना चाहता है और इसी जिद में आकर वो अपने सारे जिंदगी के हिसाब किताब गलत कर लेता। शायद इसमें मेरा ही कसूर है, उसकी परवरिश मैं ठीक से नहीं कर पाया। मैं उसे माँ की परवरिश नहीं दे पाया, शायद इसलिए वो जिंदगी में हर चीज पाने की ख्वाहिश रखता है। जानती हूँ और पूरी तरह से समझती भी हूँ। मिस्टर आलू वाले ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरी जिंदगी में
बहुत मायने रखता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए कार्तिक की जिद से ज्यादा बड़े मेरे इरादे और अपने आप से किए कुछ वादे। तुम बहुत अच्छी हो कशिश, अच्छाई से भी अच्छी। काश तुम मेरे लिए ये बात कह पाती। मिस्टर आलूवालिया, आज एक अच्छाई से अच्छाई मिली है। इंसान की अच्छाई 100 पर्दों में भी अपना आईना दिखा जाती है, जो सिर्फ देखने वाला देख सकता है। गुड नाइट। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी तो तुमसे यही सवाल पूछ सकते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस हक से पूछेंगे आप ये सवाल मुझसे? तुम किस हक से पूछ रहे हो हमें ये सवाल? मुझे ये सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि क्या हुआ? कशिश को लेकर तुम्हारा प्यार इतना शर्मिंदा है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा प्यार भी खामोश है? ना तो मैं खामोश हूँ और ना ही मेरा प्यार खामोश है, बल्कि मेरी खामोशी में ही कशिश का प्यार है और कशिश के प्यार में ही मेरी खामोशी। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ कशिश के प्यार के लिए। मेरा प्यार शर्मिंदा कैसे हो सकता है? मैं कशिश से प्यार करता हूं और उसी हक से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है कि उसने तुम्हें मजबूर कर दिया है कि वो कोई भी हद तक जा सकता है, अपनी हदें तोड़ सकता है? क्या तुम्हें अपने प्यार पे यकीन नहीं है? इस बात का एहसास नहीं है कि कशिश कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी? या तो तुम्हारा प्यार एक दिखावा है या फिर एक छलावा। मेरे प्यार के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं पड़ता, आप मुझे जानते हैं। लेकिन कशिश को शायद उसी जान पहचान ने मुझे कुछ कहने का हक दिया है। कशिश सर तुम्हें ही नहीं, मुझे भी अच्छी तरह जानती है। तुम कशिश को जानते हो तो मैं कशिश को अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।